रोशनी चाहते हैं अपने जीवन में, हम चाहते हैं कि जिंदगी प्रकाशित हो, और इसके लिए हम लगातार निरंतर कोशिश करते हैं, अपनी खुद की और दूसरों की जिंदगी रोशन करने के प्रयास करते हैं। ये हमारा कर्तव्य कर्म है, और ये वक्त है लाइटिंग ऑफ द लैंप का, दीप प्रज्वलन का। और दीप प्रज्वलन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं फादर रिक्टर को, और एक विद्यार्थी जिनसे कहा गया है कि वो चले आए यहां सामने दीप प्रज्वलन की शुरुआत कर रहे हैं, फादर प्रिंसिपल और एक विद्यार्थी उनके साथ, फादर वाइस प्रिंसिपल, फादर रजिस्ट्रार, डीन और फैकल्टी मेंबर्स, DSW और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। दीप प्रज्वलन, रोशनी है, हॉल में रोशनी है, लेकिन इसके बावजूद दीप प्रज्वलन सांकेतिक है, प्रतीकात्मक है। यह हमारा कर्तव्य पथ रोशन करने का एक तरीका है, प्रतीकात्मक, हर कदम पर रोशनी। जैसे हम प्रार्थना करते हैं, अज्ञान के अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो हमें, तो ये दीप रोशन करते हुए, चिराग रोशन करते हुए हम इसी दिशा में अग्रसर हैं। ये सिर्फ दीप नहीं रोशन हो रहे, आप ये मानकर चलें कि आपका जहन रोशन हो रहा है, आपका मस्तिष्क, आपका मानस प्रकाशित हो रहा है, या प्रकाश की व्यवस्था की जा रही है। ये शुरुआत है आपकी, और आगे चलकर जो आप अर्पित करेंगे, दिमाग की खिड़कियां खुलेंगे, दिमाग के दरवाजे खुलेंगे, ताजा हवा आएगी, धूप आएगी, और विचार जागृत होंगे, सुलझेगा, समझेगा, निकलेगा वो सब जो आप चाहते हैं कि बेहतर हो। तो दीप प्रज्वलन सांकेतिक, प्रतीकात्मक, महादेवी लिखती हैं, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, हमारा गतिपथ उज्ज्वल कर, प्रकाशित कर। तो इस दीप प्रज्वलन के बाद पुष्पगुच्छ हमारे सम्मानित माननीय अतिथियों के लिए, I call the two students who will be representing the entire first year to please come on stage, and I request Father Rector, Reverend Father Rector, Father Alex, to give the bouquet to one of the students. दूसरा आ जाओ, चेंज है, बेटा सर, कोई दूसरा लड़का आ जाओ।